डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में आए थे बनारस, छात्रों से बोले शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर एमपी अहिरवार ने बताया कि 1956 में 22 से 25 नवंबर के बीच बाबा साहेब बनारस आए थे। बनारस से लौटने के बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हो गया। भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बीएचयू विद्यापीठ और सारनाथ में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वे धम्म यात्रा के लिए अंतिम बार बनारस आए थे। बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर एमपी अहिरवार ने बताया कि 1956 में 22 से 25 नवंबर के बीच बाबा साहेब बनारस आए थे। बनारस से लौटने के बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हो गया। काठमांडू से लौटते समय जब वह कैंट स्टेशन पर देर रात पहुंचे तो वहां बीएचयू के छात्रों और बौद्ध अनुयायियों ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद वह सारनाथ के बौद्ध मंदिर पहुंचे। भिक्षुओं ने बाबा साहब से संवाद कर बताया कि वह वर्तमान में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि विद्यालय तो चलाना ठीक है, लेकिन उनको महाविद्यालय खोलना चाहिए। कहा कि 1000 प्राइमरी एजुकेटेड की तुलना में एक ग्रेजुएट बेहद महत्वपूर्ण होता है। बीएचयू में बाबा साहब ने कहा था कि हमको आधुनिक युग में वैज्ञानिक शिक्षा के साथ आगे बढ़ना होगा। आप आंख और कान बंद कर पढ़ाई ना करें, देश और दुनिया में क्या चल रहा है इसका भी ध्यान रखें। प्रोफेसर अहिरवार ने कहा कि बाबा साहब उच्च शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। सारनाथ में सभा में बाबा साहब ने कहा था कि प्रत्येक बौद्ध को हर रविवार को बौद्ध विहार में जाना चाहिए और उपदेश सुनने चाहिए। बौद्ध धर्म केवल अछूतों के लिए ही नहीं बल्कि मानव समाज के लिए कल्याणकारी धर्म है। काशी विद्यापीठ के छात्र संघ का उद्घाटन कर युवाओं को उच्च शिक्षा के जरिए देश में बदलाव का आह्वान किया था।